इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के दौर में एक शख्स मरने लगा, उसके पास दौलत बहुत सारी थी लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे। उसने थैले के अंदर सोना डाला कि ये किसी के सुपुर्द कर जाऊं कि मेरे बच्चे बड़े हों तो उनको दे दे। सोचा गरीब को दिया तो वो संभाल नहीं सकेगा, बच्चों को दिया तो वो जाया कर देंगे। एक दोस्त था उसका अमीर तरीन, उसको कहा कि मियां ये सोना और थैला है, सात वसीयत नामा लिखा, जब मेरे बच्चे बड़े जवान हो जाएं बालिग हो जाएं तो जो तेरा जी चाहे इन बच्चों को दे देना। ये उसने वसीयत की और वो सब कुछ उसके सपुर्द किए। बच्चे जवान हुए, उसने लोगों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सोना थैला सब कुछ सामने रखा, वसीयत नामा पढ़ा, किन के बाप ने जब मरते हुए मुझे ये सोना थैले में डाल कर दिया तो साथ ये वसीयत नामा लिख कर दिया कि जब मेरे बच्चे जवान होंगे जो तेरा जी चाहे बच्चों को दे दे। तो उसने सोना अपने पास रख लिया और खाली थैला बच्चों को दे दिया। अब सारे कहें जुल्म हुआ है, यतीमों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन करें क्या कि वसीयत नामा ही ऐसा था, ना अदालती चारा जो ही हो सकती है ना उसको कहा जा सकता है, सारे कहें जुल्म हुआ। उलमा से पूछा कहा जुल्म हुआ, लेकिन क्या कहा जा सकता है, वसीयत नामा के अंदर बात ही ऐसी थी कि उसने ज्यादती की है और सब कुछ खुद रख लिया। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा इमामुल आइमा आपकी खिदमत में लोग हाजिर हुए कि यूं यतीमों के साथ यहां ज्यादती हुई लेकिन वसीयत नामे की इबारत इस तरह की थी इसलिए कोई बोल भी नहीं सकता, आपको इरशाद फरमाए। कहा दोबारा सब लोगों को जमा कर लो, उसे भी बुला लो, बच्चों को भी बुला लो। बुला लिया गया, कहा मियां वसीयत नामा पढ़ो। वसीयत नामा पढ़ा गया कि ये सोना है थैले में डाल के तुझे दे रहा हूं, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे जो तेरा जी चाहे वो बच्चों को दे देना। आपने फरमाया फिर पढ़ो, उसने फिर पढ़ा, कहा अब तुम बताओ तुम्हारा जी सोने को चाह रहा है या थैले को चाह रहा है। उसने कहा मैं तो सोना रखना चाहता हूं। कहा वसीयत नामा पढ़ो, वसीयत में है जब बच्चे जवान होंगे जो तेरा जी चाहे वो बच्चों को दे देना। अब तेरा जी तो सोने को चाह रहा है और वसीयत में लिखा भी यह है कि जो तेरा जी चाहे वो बच्चों को दे दे, लिहाजा सोना देना बच्चों को, थैला रख खुद। तो इमाम आजम ने इस तरह उन यतीमों की मदद फरमाई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा आप अपने एक शागिर्द को वसीयत करते हैं, गालिबन हजरत जैद उनका नाम है, कि जब आप किसी शहर में जाओ तो घोड़ा अच्छा रखो, लिबास अच्छा पहनो, लोगों के साथ मेल जोल अच्छा रखो, कोशिश करो कि बहस तकरार की नौबत ना आए, और अगर बहस की किसी से नौबत आ जाए तो पहले उसका मौक़िफ़ सुनो और फिर उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद उसकी जो दुरुस्त बातें हैं उनकी ताईद करो, उनकी तस्वीब करो कि तुमने ये दुरुस्त कहा, और जिन बातों से आप मुत्तफिक नहीं हैं तो आप कहो कि आपने जो कहा ये आपका मौक़िफ़ है लेकिन इसके मुकाबल मेरा मौक़िफ़ ये है और मैं इस मौक़िफ़ में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये फ़लाँ फ़लाँ अहले इल्म मौजूद हैं। गुज़रे हुए बुज़ुर्गों के असमा बयान करो और उनका मौक़िफ़ बयान करो, फिर अपने दलाइल दो। दलाइल देने के बाद फिर इस पर मुसर ना हो जाओ कि ये मानेगा तो फिर मैं उठूँगा। दलाइल उसकी जेब में डाल करके, उसके कोट में गेंद डाल करके आप घर आ जाओ, अल्लाह ने हिदायत देनी है, लिखा हुआ तो हिदायत मिल जाएगी, हमारे ऊपर पहुंचा देना। आज मेंबर पे हम यही कहते हैं, जब खुतबा ख़त्म करते हैं तो ये कहते हैं ना, वमा अलैना इल्लल, हमारा काम पहुंचा देना है, लेकिन ये हम यूं ही कह रहे होते हैं, रवैया ये होता है कि जो हमारी बात मानेगा नहीं, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेगा, वो दारा इस्लाम से खारिज है। तो ऐसा नहीं है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम पहुँचा देना है। तो पैगम्बरों से भी यही कहा गया, वमा अलैका इल्लल बलाग, महबूब आपका काम पहुँचा देना है, दिल मोड़ेगा रब तो मोड़ देगा, ये उसके कब्जा कुदरत में है। तो इस इमाम शाफी और इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा फिक में इख्तलाफ रखते थे। इमाम शाफी रफुल यदैन के कायल थे, इमाम आजम हनीफा कहते थे कि रफुल यदैन मनसूख हो गया है और हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी उम्र का अमल नासिख है पहली उम्र के अमल का, तो लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इमाम शाफी कहते थे मेरे पास ये दलाइल है। खैर इमाम शाफी अपने शागिर्दों के हमरा इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पे आए तो वहाँ जब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम शाफी ने नमाज पढ़ी तो रफुल यदैन नहीं किया, तो शागिर्दों ने बाद में सवाल किया कि हज़रत रफुल यदैन नहीं किया, फरमाया इतने बड़े इमाम के सामने मुझे अपनी तहकीक पे अमल करते शर्म आती। तो कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उतनी देर तक नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते
جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو. اللہ مما تحبون, تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وعلمو, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے. اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا, تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا, وہ خود بھی تو دے سکتا تھا, لیکن یہ تمہاری آزمائش, ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا, اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے, تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. ویامرکم بالفحشاء, اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی سے یہاں مراد, علماء تفسیر فرماتے ہیں, بخل ہے, کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ کیا, کسی نے کہا تھا, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں, ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں, اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں, تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا, اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے. تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا, یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا. عقل یہی کہتی ہے, شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے. اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے, کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا, تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں. اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنوؤں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سیراب کیا کرتے تھے, پھر دیکھتے ٹیوب ویل آ گئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے. وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا, لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنواں ہو تو وہاں جا کر دیکھو, ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے, دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے, سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے. پانی وافر تھا, شفاف تھا, کثیر تھا, پاکیزہ تھا, لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا, نہ اس کی فراوانی رہی, نہ اس کی تازگی رہی, نہ اس کا وہ شفاف پن رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے, جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا, جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا, تمہارے مال میں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی. اگر کسی کا مال کم ہوا ہے, کاروبار لوگوں کے دیکھیں ہم نے بڑے بڑے کاروبار اس میں ختم ہو جاتے ہیں, تلک الایام نداولھا بین الناس, دن پلٹتے رہتے ہیں, آج اور کل کیفیت اور, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا, اس کی وجہ اور ہے. اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دو گے کم نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دو گے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا. اللہ یوتی الحکمت من یشاء, یہ ساتھ ہی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا, یہاں ذکر حکمت کا کر دیا, وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے. مطلب کیا, راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے, بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے, عقل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ, اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو, بے شک اللہ, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ,
बेशक अल्लाह उसे जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। इन तुब्दुस्सदकात फनिम्मा हिया, अगर तुम सदके जाहिर करो तो अल्लाह उसे जानता है। फनिम्मा हिया, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वइन तुख्फूहा, अगर तुम उन्हें छुपा लो। वतूतूहल फुकरा, और गरीबों को फुकरा को दो। फहुवा खैरुल्लकुम, तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अगर तुम सदकों को जाहिर करके दो तो ये भी बेहतर, अगर छुपा के दो तो ये भी बेहतर। इमाम राजी तफसीर कबीर के अंदर इसी आयत करीमा के तहत पांच छह चीजें बयान फरमाई कि सदका कब छुपा के देना चाहिए और कब जाहिर देना चाहिए। गुफ्तगू वो लंबी है, मैं एक बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा और बात आगे बढ़ाऊंगा। दो तरह से जो है वो सदका दिया जाता है, जाहिर और पोशीदा। और उसमें अगर किसी शख्स को आप दे रहे हैं, किसी जात को दे रहे हैं, तो फिर उस वक्त मुस्तहब और बेहतर यह है कि आप छुपा के दें। किसी की मदद जाती तौर पे कर रहे हैं, गरीब है, बेवा है, यतीम है, तो फिर उसकी गुर्बत का इश्तिहार ना लगाएं, फिर बेहतर है कि छुप के दें। कुरान करीम ने फरमाया, सात अशखास कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का ठंडा साया पाएंगे, जब कोई साया नहीं होगा। उनमें एक शख्स ये फरमाया, व राजुलुन तसद्दका बिसदकतिन फअख्फाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु। वो आदमी जिसने तन्हाई में सदका दिया और इतना खुफिया दिया कि जो दाएं हाथ ने किया वो बाएं को खबर ना। फरमाया, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब होगा, और जो अर्श के साए तले होगा कयामत की तकलीफ से महफूज होगा। जो अर्श के साए तले होगा वो कयामत की परेशानियों से महफूज होगा। जो अर्श के साए तले होगा उसको जामे कौसर जरूर दिया जाएगा, और जो एक घूंट भी पी लेगा 50,000 साल के दिन में उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। तो जिसने अपने सदके को खुफिया दिया, दाएं ने दिया बाएं को खबर ना, अल्लाह को, बल्कि उलमा इसकी तशरीह में लिखते हैं कि जिसको सदका दिया जा रहा है बेहतर है कि उसको भी खबर ना हो, इस अंदाज से उसके घर में फेंक आओ कि उसे भी पता ना हो कि मेरे ऊपर कौन मेहरबानी कर गया। अल्लाह अकबर, अगर ऐसा हो तो ये इंतहाई खुफिया हालत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहा कि अगर तुम सदका खुफिया दो तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम जाहिर दो तो जाहिर देना किस वक्त मुस्तहब है, जिसमें किसी शख्स की जात का मामला ना हो। मिसाल के तौर पे मस्जिद के लिए फंड मांगा जा रहा है, दारुल उलूम के लिए मांगा जा रहा है, किसी हॉस्पिटल के लिए मांगा जा रहा है, किसी और सफाई काम के लिए मांगा जा रहा है, लिहाजा वहां आप इस नीयत से कि अगर मैं उठ के ऐलान करूंगा तो मेरे देखा देखी कई ऐलान करेंगे, लिहाजा मदद हो जाएगी। तो आका करीम ने एक मरतबा जिहाद के लिए फंड मांगा तो एक सहाबी ने जल्दी से आगाज कर दिया, उसको देखने से बाकी भी उठ खड़े हुए। तो आका करीम ने उस वक्त फरमाया था, मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन फलहु अजरहा, जिसने इस्लाम में ऐसे अच्छे तरीके को राज किया अल्लाह ताला उसको उसका अजर अता फरमाएगा, और उसके देखा देखी जिसने उस काम को किया अल्लाह उसका अजर भी से अता फरमाए। तो इस नीयत से अगर जाहिर कर लिया जाए तो वो ज्यादा फजीलत वाला है। दूसरा, अगर आप खुफिया की बजाय एलानिया करते हैं तो उससे आपके नफ्स पर रियाकारी का इम्कान पैदा हो जाता है, तो फिर बेहतर यह है कि रियाकारी से बचने के लिए खुफिया सदका किया जाए, ताकि अल्लाह ताला आपके उस अमल की बरकत आपको नसीब फरमाए, वरना ऐसा होगा कि रियाकारी से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आगे इरशाद फरमाए, वयुकफ्फिरु अनकुम मिन सय्यातिकुम, अगर तुम अल्लाह की राह में छुप के या जहर सदका करोगे तो अल्लाह के नजदीक वो बेहतर है, और वो उससे तुम्हारे गुनाहों को उतार देगा। यानी सदका देने से जो है वो गुनाह मिटते हैं। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है, नहीं किसी ने देखा, जिसको तुमने दिया उसने भी नहीं देखा, किसी को नहीं कानो कान खबर हुई, लेकिन जिसके लिए दे रहे वो तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये अपनी अपनी नीयत पर मुनहसर है कि किसकी नीयत क्या है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ए हबीब, आपके ऊपर लाजम नहीं है कि इन काफिरों को जो है वो आप हिदायत दें, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत दे दे। ये कुफार को सदका देने के जवाज पर आयत नाजिल हुई। सहाबा सदका अपना देते थे, अपनों को, मुसलमानों को भी, लेकिन उनके रिश्तेदार काफिर भी होते जो परेशान होते, तो दिल में आता ये काफिर हैं, तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि उनको भी आप दे सकते हैं। तो काफिर को सदका वाजबा नहीं लगता,
यानी ज़कात नहीं लगती, सदका फितर नहीं लगता, और जो मन्नत का जो सदका है वो नहीं लगता, वाजिबा नहीं लगता, नाफिला सदके जो हैं वैसे तामन कर दिया जाए तो वो उसको लग जाता है। उसकी दलील कुरान मजीद की ये आयत है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, और तुम जो अच्छी चीज दो तो तुम्हारा ही इसमें भला है, फायदा तुम्हें ही होगा, तुम्हारा ही बैंक है। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और तुम्हें खर्च करना मुनासिब नहीं मगर अल्लाह की रजा चाहने के लिए। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ्फा इलैकुम, और जो माल तुम खुदा की राह में दोगे उसका तुम्हें पूरा पूरा अजर मिलेगा। वअंतुम ला तुज़लमून, तुम्हारे से जुल्म नहीं किया जाएगा, जिदिया उसका पूरा पूरा अजर मिलेगा। लिलफुकारा इल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह, ये कहा कि काफिरों को तुम सदका दे सकते हो, लेकिन फरमाया तुम्हारे सदके के ज्यादा हकदार वो हैं। कौन? लिलफुकारा इल्लज़ीना, वो फकीर लोग, उहसिरू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह के अंदर रुके हुए। इससे मुराद उहसिरू फी सबीलिल्लाह से मुराद मुफस्सरीन ने असहाबे सुफा लिए हैं, ये 400 के करीब से आबा थे, 300 से लेकर 400 तक उनकी तादाद मुख्तलिफ रिवायात में आई है, जो मस्जिद नबवी में रहते थे, उनका ना कोई घर था ना उनके अहल थे, बस सारा दिन मस्जिद नबवी में रहते। हुजूर ने उनके लिए एक चबूतरा बनवा दिया जिसको सुफा का चबूतरा कहा जाता है, तो वो उस पे बैठे रहते, हुजूर के इंतजार में रहते, आका करीम आते तो वो हुजूर से दीन सीखते, बिला ताईने औकात हुजूर से दीन सीखते, किसी गजवे पर हुजूर उनको चाहते तो साथ ले जाते, किसी सराया पे भेजते तो वो हुजूर के हुक्म की जो है वो तामील करते, ज्यादा कोशिश करते कि वो लकड़ियां इकट्ठी करके उनको बेचकर अपने पेट का गुजारा करते, लेकिन मसरूफियत चूंकि तालीम दीन में थी तो वो कमाई नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने यहां बाकायदा ये बात इरशाद फरमा दी, ला यस्ततीउना दरबन फिल अर्द, वो जमीन पर चल नहीं सकते, यानी बाकायदा वो कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो दीन के इल्म के लिए रुके हुए हैं। कहा तुम्हारे सदके के ज्यादा हकदार ये तलबा हैं, दीन वाले लोग, जो सब कुछ छोड़ के दीन सीख रहे हैं। यह सब हुमुल जाहिलु अग्निया मिनत ताअफ्फुफ, सवाल ना करने की वजह से उसको नावाकिफ आदमी समझते हैं, ये तो बड़े ठीक ठाक हैं, ये तो गनी है, क्योंकि हर बंदा अंदर नहीं झांक सकता। वो क्या किसी ने कहा था ना, हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। तो वो बज़ाहिर उनके चेहरे मोरे ऐसे हैं कि लगता यह है कि ये बड़े ठीक ठाक, जरूरत ही नहीं है, लेकिन मालदारों के ऊपर लाजम है कि उनको भी तलाश करें जो मांगते नहीं है, उनके घर जाकर उनकी आनत करके आए। अल्लाह ने अपने महबूब से मुखातब करके कहा, तारिफुहुम बिसीमाहुम, महबूब तू तो उनकी पहचानियों से पहचान लेता, लोग ना जाने तुझे तो पता है ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आके बैठ गए, कहते मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी और इतनी भूख के गुजारा नहीं हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, मैंने कहा कोई आदमी गुजरता गुजरता मेरे चेहरे को देख के पहचान लेगा। फिर एक सहाबी आए, मैंने उनसे एक मसला पूछा, वो मसला बता के चले गए। दूसरे आए, मैंने कुरान की आयत के बारे में पूछा, वो बता के चले गए। फिर दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन आ गए। मैंने हुजूर से मसला पूछा, हुजूर ने कहा अबू हुरैरा भूख लगी हुई है, मैंने कहा हाँ हुजूर भूख लगी हुई। पूछा मसला, आका करीम मैं भूख लगी है, हाँ हुजूर भूख लगी, मसला ही यही था। कहते आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। फिर वो रिवायत आप उलमा से सुनी कि हुजूर अंदर चले गए, इजाजत दी, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं देखा दूध का एक प्याला पड़ा, कहा अबू हुरैरा जाओ जो सुफा पे बैठे उनको भी बुला लाओ। मैं सोचा वो तो 70 हैं और दूध का प्याला एक, लेकिन हुजूर का हुक्म था, मैं बुला लाया, कहा अब इनको पुलाओ। कहा परेशान था लेकिन जब पहले ने पिया जरा भी कम ना हुआ, मैं समझ गया हौज़े कौसर की नहरों से कनेक्शन जुड़ गया। कहा के इन सब को पिलाओ, कहा एक ने पिया फिर दूसरे ने पिया, 70 आदमी दूध पी गए। अल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हाँ जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर हुजूर ने मुझे पिलाया, कहा और पियो हत्ता के मैं शराब हुआ, हुजूर अब नहीं पिया चाहता। फिर आका करीम वो प्याला लिया, उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते थे ये तो देखते हो कि एक दूध का प्याला 70 के लिए काफी हो गया, ये भी तो देखो कौनैन का सरदार और 70 का जूटा पी रहा था।